सुप्रभात कक्षा 5, कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं और अपना अभ्यास कार्य अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपना गृह कार्य समय पे कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का पार्ट 2। हमारे पार्ट का नाम है लिंग। तो सरल भाषा में मैं आपको समझाऊँ कि लिंग किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से या शब्द रूप से हमें पता चले कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्त्री है या पुरुष है, उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। कि जिस भी व्यक्ति के लिए या जिस भी वस्तु के लिए हम बात कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति या वो वस्तु स्त्री जाति की है या पुरुष जाति का है, तो जिससे हमें इस बात का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लिंग कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, लिंग की परिभाषा देखते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है या स्त्री जाति के लिए प्रयोग हुआ है, लिंग कहलाता है। तो शब्द के जिस रूप से हमें यह बोध हो, इस बात का ज्ञान हो कि जिसके लिए उसका प्रयोग किया गया है वो किसके लिए हुआ है, उसका प्रयोग स्त्री जाति के लिए हुआ है या पुरुष जाति के लिए हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। जैसे कि राधा, राधा नाम से हमें पता चल रहा है कि राधा क्या है? स्त्री है, स्त्रीलिंग कहेंगे राधा। और जैसे कि मयंक या राहुल, तो राहुल क्या है? राहुल है पुल्लिंग। ऐसे ही और भी चीज़ें हैं कि जैसे लड़की और लड़का, मोर मोरनी, तो मोर क्या है? मोर पुरुष जाति का है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। और मोरनी क्या है? स्त्री जाति से है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। आई बात समझ में? तो सभी बच्चे किताब में ध्यान देंगे, पेज नंबर 8। शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है या स्त्री जाति के लिए प्रयोग हुआ है, क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। जैसे लड़की, भाई, बहन, हवेली, पड़ोसी आदि। तो लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। भाई पुल्लिंग है, बहन स्त्रीलिंग है, हवेली स्त्रीलिंग है। तो इस तरह के जो शब्द हैं हमें पहचान करना आता है कि ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है या ये शब्द पुल्लिंग है। इस बात का पता हमें जिन शब्दों से चलता है या तो उसे, जिस बात से हमें इस बात का बोध होता है, इस बात का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लिंग कहेंगे। तो लिंग के 2 भेद है, जैसे अभी मैंने आपको बताया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कितने भेद होते हैं लिंग के? 2 भेद होते हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग और दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है स्त्रीलिंग। तो वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का ज्ञान होता है, वे शब्द क्या कहलाएंगे? वे पुल्लिंग कहलाएंगे। जैसे मैदान, पलंग, गेहूं और पपीता। मैदान तो मैदान के लिए जैसे हम बात करेंगे कि क्रिकेट का मैदान बहुत बड़ा है, तो इससे हमें पता चल रहा है ये क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग कैसे है कि हमने क्या बोला? बहुत बड़ा है, ये नहीं बोला कि बहुत बड़ी है। स्त्रीलिंग के लिए, अगर स्त्रीलिंग का कोई शब्द होता है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? बड़ी है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम? क्रिकेट का मैदान बहुत बड़ा है। बड़ा शब्द से हमें पता चल रहा है ना कि ये किसके लिए? किसी ऐसे जगह के लिए बात कर रहे हैं जो क्या है? मैदान क्या है? पुल्लिंग है। फिर है पलंग। पलंग कमरे में रखा पलंग बहुत सुंदर है, या कमरे में बहुत सुंदर पलंग रखा है। रखा है से हमें पता चल रहा है ना, हमने ये नहीं बोला कि रखी है, क्या बोला? रखा है। तो ये क्या पलंग क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। फिर गेहूं और पपीता, ये क्या है? पुल्लिंग वाले शब्द हैं। अब देखेंगे स्त्रीलिंग। तो वे शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग कहलाते हैं।
जैसे पुल्लिंग के बारे में कि वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, वैसे ही वे शब्द जैसे कि जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कि घड़ी, भिंडी, इमली और पतंग। घड़ी, भिंडी, इमली और पतंग, ये शब्द क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अब सभी बच्चे अपनी किताब में ध्यान देंगे। नीचे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। बाल, बाला। बाल क्या है, पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग क्या हुआ, बाला। सिंह, सिंहनी। शेर, शेरनी। सेवक, सेविका। लेख, लेखिका। दास, दासी। नाना, नानी। सुनार, सुनारिन। सुनार का स्त्रीलिंग क्या होगा, सुनारिन। पंडित, पंडिताइन। नौकर, नौकरानी। देवर, देवरानी। राजा, रानी। भाई, बहन, बहन। पिता, माता। वृद्ध, वृद्धा। हिरण, हिरनी। मोर, मोरनी। पाठक, पाठिका। पाठक का स्त्रीलिंग क्या होगा, पाठिका, या पाठिका का पुल्लिंग पुल्लिंग क्या होगा, तो पाठक। शिक्षक, शिक्षिका। देव, देवी। पुत्र, पुत्री। धोबी, धोबिन। ओझा, ओझाइन। जेठ, जेठानी। सेठ, सेठानी। श्रीमान, श्रीमती। पति, पत्नी। वर, वधू। तो ये कुछ शब्द देखे हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसे, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग किसे कहते हैं और लिंग किसे कहते हैं, तो ये आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बीच का भेद पता होना चाहिए कि स्त्रीलिंग क्या किसे कहते हैं और पुल्लिंग किसे कहते हैं और लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, हमारा ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है।